हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 9 नवंबर को होने जा रहे मतदान के दिन प्रदेश के सब क्षेत्रों और मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को विशेष बुलेटिन जारी कर 9 नवंबर को मौसम साफ रहने की बात कही है। केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह के मुताबिक मतदान के लिए प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों और धूप खिली रहेगी। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड रहेगी। अधिकतम तापमान 14 से 29 डिग्री के बीच रहेगा। 9 नवम्बर को शिमला और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर और 24 से 26, चंबा और 22 से 24, हमीरपुर और 24 से 26, कांगड़ा और 23 से 25, किन्नौर और 14 से 16, कुल्लू और 25 से 27, लाहौल और स्पीति और 13 से 15, मंडी और 24 से 26, सिरमौर और 22 से 24 और ऊना और 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 3 जिलों और छाए रहेंगे बादल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और ऊना जिला और 9 नवंबर को सुबह के समय हल्की धुंध छाएगी। हालांकि 10 बजे तक मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। शिमला, सिरमौर, सोलन और 9 नवंबर को हल्के बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह के मुताबिक मतदान के लिए प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों और धूप खिली रहेगी। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड रहेगी। अधिकतम तापमान 14 से 29 डिग्री के बीच रहेगा। 9 नवंबर को शिमला और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर और 24 से 26, चंबा और 22 से 24, हमीरपुर और 24 से 26, कांगड़ा और 23 से 25, किन्नौर और 14 से 16, कुल्लू और 25 से 27, लाहौल और स्पीति और 13 से 15, मंडी और 24 से 26, सिरमौर और 22 से 24 और ऊना और 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 3 जिलों और छाए रहेंगे बादल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और ऊना जिला और 9 नवंबर को सुबह के समय हल्की धुंध छाएगी। हालांकि 10 बजे तक मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। शिमला, सिरमौर, सोलन और 9 नवंबर को हल्के बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। जिला शिमला की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोमवार को सब कर्मचारियों को आखिरी बार मतदान संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। अब सब आज शाम तक ईवीएम और वीवीपैट मशीनें लेकर हमें पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे। डोडरा क्वार समेत दूर दराज के इलाकों के लिए 63 चुनाव कर्मचारी सोमवार को ही रवाना हो गए हैं। कर्मचारियों को पोलिंग बूथ की हर अपडेट संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी। जिले भर और कुल 1027 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिन्हें और 837 स्टेशन ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों और स्थित हैं। इन पर कर्मचारी मंगलवार से ड्यूटी संभाल लेंगे। इन और 513 रिजर्व कर्मचारी भी शामिल हैं, जैसा मतदान के समय हर तरह से मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। जिला और 974 पोलिंग स्टेशनों को सामान्य श्रेणी और रखा गया है, जिस समय की 42 को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन और 7 क्रिटिकल, जिस समय की 11 हाई पर पोलिंग स्टेशन घोषित किए गए हैं। इनके अलावा जिला पुलिस के जवान भी पोलिंग बूथ की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को सब कर्मचारियों को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर ने आखिरी बार प्रशिक्षण दिया। शिमला शहर विधानसभा सीट और तैनाती दे रहे कर्मचारियों को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर और ट्रेनिंग दी गई, जिस समय की कसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों ने छोटा शिमला स्कूल और प्रशिक्षण लिया। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों को संजौली कॉलेज और चुनाव संबंधी टिप्स दिए गए। आज से बंद रहेंगे शराब के ठेके। चुनाव को लेकर मंगलवार से शराब के सब ठेके भी बंद रहेंगे। 9 नवंबर तक शराब की सब दुकानें बंद रहेंगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि अधिकारियों को इस बारे और निर्देश दिए जा चुके हैं। निर्देशों की पालना न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 16 बूथों पर मोर्चा संभालेंगी महिला कर्मचारी जिला और 8 सीटों पर कुल 16 पोलिंग बूथ ऐसे भी हैं जहां मतदान का जिम्मा महिला कर्मचारियों के कंधों पर होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जिस समय पूरा पोलिंग बूथ केवल महिला कर्मचारी संचालित करेंगी। मतदान शुरू होने से लेकर खत्म होने तक महिला कर्मचारी हमी सेवाएं देंगी। सोमवार को 120 महिला कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी गई है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।